देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने 10 साल पुराने वाहनों पर पाबंदी के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जाम लगाया। किसानों की मांग है कि किसानों के वाहनों पर ये नियम लागू नहीं किए जाने चाहिए। वहीं किसान गांधी पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक भारी संख्या में डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, जिसके बीच किसानों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं किसानों की भारी संख्या में मौजूदगी को देखते हुए कलेक्ट्रेट में पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एनसीआर में किसी कोर्ट ने आदेश करा कि 10 साल पुराने जितने भी वाहन है, चाहे वो किसान से संबंधित वाहन है या वाणिज्यिक वाहन है, उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। तो पूरे प्रदेश में भारतीय किसान के आह्वान पे आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ सहारनपुर में हालांकि अभी एनजीटीसी का आदेश लागू नहीं हो रहा है, एनसीआर में भी शामिल नहीं हम लोग, लेकिन चूंकि एनसीआर में जाने की संभावना हो रही सहारनपुर की भी, उन्हें लेकर यहाँ डीएम साहब को जगाने के लिए आए थे कि इस देश का बहुत छोटा किसान है जो बहुत छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके पुराने वाहनों से अपना काम करे, खेत का कहीं सड़क बन जाता, कोई प्रदूषण खराब नहीं करता, अपने खेत में काम करे, ट्रैक्टर को अपने घर खड़ा करे। अगर सरकार को एनजीटीसी को या सरकार को प्रशासन को दिक्कत है तो ये ट्रैक्टर जमा करवा ले, हमें नए ट्रैक्टर दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्हें बंद नहीं होने देंगे। अगर मांग पूरी नहीं होती, देखो एक हफ्ते का टाइम हमने दिया लिख के, नहीं होती तो यही भट्टी है भाई, यही अपनी पल्ली, यही डीएम के बाहर होगी, कोई काम यहाँ होने का नहीं, अपना यही रहेंगे, यही सोएंगे, यही खाएंगे, यही पीएंगे। टाइम स्टोरी के लिए जिला संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। देख रही है क्राइम स्टोरी।